कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सर, फाइनली मैंने फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग मैंने बना लिया है, जिसके लिए मैंने बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था दोस्तों। हर बार कुछ ना कुछ काम के वजह से मैं अपना व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था दोस्तों। तो आखिरकार मैंने लास्ट संडे को मैंने व्लॉग मैंने शूट कर ही डाला दोस्तों, और उसी दिन मैंने एडिटिंग कर डाला और दूसरे दिन मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी कर डाला। अब पिछले कई सालों से मैं यूट्यूब व्लॉग बना रहा हूँ। सभी यूट्यूब के लोगों की तरह एक मन था मेरा व्लॉग बनाने का दोस्तों, ठीक है। इससे लोगों को क्या है कि मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा, साथ ही मुझे कुछ नया करने का मजा आएगा दोस्तों। आज मैं आपको फर्स्ट व्लॉग का एक्सपीरियंस के बारे में, आपको मैं अपने कैसे प्लानिंग किया, कैसे शूट किया, कैसे एडिटिंग किया दोस्तों, सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ठीक है। और व्लॉग बनाने से करने की बात तो जो रिएक्शन जो होता है ना दोस्तों, वो एक बिल्कुल बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आप बिल्कुल आइए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, जानते हैं कि हाउ टू मेक व्लॉग। में आपको व्लॉग बनाने के लिए आपको कुछ चीजें आपको प्लानिंग करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, जिसे आपको समझ में आ जाए कि आपको व्लॉग में करना क्या है दोस्तों, ठीक है। अगर किस तरीके से आपको व्लॉग को प्रेजेंट करना है, ठीक है, जिससे वो इंटरेस्टिंग लगे, साथ में थोड़ा सा यूजफुल भी लगे, समझ रहे हैं। तो पहले से कुछ प्लानिंग कर लेना पड़ता है, आपका व्लॉग आपका अच्छा बनता है दोस्तों। इससे क्या है, आपको समस्या भी नहीं होगी दोस्तों, आगे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, या बीच में ही खराब पड़ जाता है दोस्तों। इसलिए प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाइएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं सबसे व्लॉग को किस तरीके से मैंने प्लानिंग किया था और एकदम परफेक्ट व्लॉग बनाया था मैंने, लोगों को बहुत ही पसंद आया था दोस्तों। और आपका व्लॉग में किसके बारे में बनाना है पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए, जिसे कि मैंने एक डिसाइड किया था दोस्तों, घर से लेकर कुछ विशेष स्थान तक जाऊंगा और इन सब चीजों को व्लॉग को कवर में करूंगा। व्लॉग बनाने के लिए निर्धारित समय, जिसे कि मैंने पहले से ही प्लानिंग कर लिया था, सिर्फ शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक व्लॉग को मैं कंप्लीट कर लूंगा। और कौन कौन सी बातों को कौन से स्किल कवर करना है, इसे पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था दोस्तों। मैंने पहले से भी सोच रखा था किन बातों पर व्लॉग बनाना है, अब बताना है, अब किन जगह के बारे में दिखाना है दोस्तों। ये वैसे ही दिखाना चाहिए जैसे कि मतलब से आपके व्लॉग को नेचुरली चीजें दिखाना प्रयास कीजिएगा। आपको आसपास की जो चीजें है किसी प्रकार को बनावटी चीज ना दिखाएं। अब ये लोग देख के बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूं मैं, और कैमरे में फेस कैम कैमरे में कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस बारे में कैमरों को एक जगह पे रखना, बिल्कुल एक कैमरे के साथ एक मिलकर चलते हुए वीडियो को बनाना था दोस्तों, आसपास जो चीजों को दिखाना था दोस्तों, साथ में वॉइस जो क्वालिटी होती है ना, वॉइस क्वालिटी बिल्कुल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर एक मैंने के लिए नए तरीके का चैनल था, सौभाग था इस काम का जो जिम्मा है ना अपने वाइफ ने ली थी, और पूरे व्लॉग को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ रखा था कैमरे को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिले ना दोस्तों, इसकी क्वालिटी मेरी अच्छी बने और देखने वालों को बहुत अच्छा लगे दोस्तों। व्लॉग बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कैमरा को ज्यादा हिले ना, चलते समय व्लॉग बनाए। अब बिल्कुल आप जब भी आप शूट करना हो तो एक जगह से खड़े होकर आप रिकॉर्ड आप करें, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़े। आपको चलते हुए वीडियो बनाना है तो एडिटिंग कर कुछ फॉरवर्डिंग आप कर दें। आपके लिए अच्छा ये रहेगा दोस्तों कि अच्छे सेल्फी स्टिक एक खरीद ले, उसे क्या कि मोबाइल से आप लोग उसे फंसा के उसको अच्छी तरह से बहुत आसानी से आपको अच्छी क्वालिटी बरकरार आप लोग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और आपको जो व्लॉग क्यों देखता है दोस्तों, क्योंकि उसको दूसरे की लाइफ को देखने बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। वो देखना चाहता है कि दूसरे के लोग किस तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं। व्लॉग को हमेशा फनी या मजाक के इंटरेस्टिंग चीजें खोजते हैं दोस्तों, और नए दूसरों को लाइफ को स्टाइल के साथ आपको व्लॉग को कुछ इंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है दोस्तों। इसलिए जब भी व्लॉग बनाए ना तो हमेशा कुछ ना कुछ उस मजाकिया अंदाज में बनाए या बात करें लोगों को। व्लॉग तो बने रहने पे क्या है कि कुछ जो इंटरेस्टिंग चीजें जो होती है ना वो करने का प्रयास करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज के आपको शुरुआती में थोड़ा बता दें, अंत में क्या इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस चीजों को करें जिससे वो ऑडियंस आखिरी तक आपको व्लॉग पर देखे। मैं व्लॉग में कुछ ऐसा ही मैंने करने का प्रयास किया था दोस्तों। मैंने अपने व्लॉग का तो अंदाज थोड़ा फनी मैंने रखा था, कुछ तो जो टाइटल था थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना था, जिसे आपको बता रहा हूं मैं आपको, जिस लोगों को क्या है ना कि व्लॉग को अंत तक एंड तक देखने में मजा आ जाए। और आपने फर्स्ट व्लॉग आपने देखा होगा, जिसमें देखा होगा कि जिसे व्लॉग बनाने से बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बता रहा हूं आपको,
काम होता है आपको एडिटिंग करना होता है, सिर्फ एक पार्ट को दिखाना जिससे मजा आ जाए और वीडियो को अच्छी तरह से एडिटिंग करें। वीडियो को एडिटिंग करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, व्लॉग को एडिटिंग करके उस नए नए जो क्रिएटिविटी को डालते हैं जिस लोगों को अंत तक देखने में अब वीडियो को थोड़ा प्रोफेशनल लगे दोस्तों। कभी कभी क्या है कुछ ऐसा सबका कार्य कर देते हैं जिसे व्लॉग एडिटिंग करके हटा देना चाहिए। और मैं आपको व्लॉग को एडिटिंग करने में आपको धर्मपति वाइफ का मैंने सहारा लिया था दोस्तों, एक अपना व्लॉग का एक बहुत बड़ा उम्मीद को एक बहुत ही देखने में बहुत ही आपको दिखती नहीं थी और देखने वाले को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। और कुछ सीन को मैंने फॉर्मेट मैंने कर दिया था, कुछ बैकग्राउंड का म्यूजिक डाल दिया था, अब आर्ट पूरी तरफ से आपको कर दिया सारी जो चीजें है ना। अब 16 मिनट का व्लॉग जो था ना एडिटिंग करके मैंने 8 मिनट का मैंने प्रयास किया था, 8 मिनट का मैंने बना दिया था। एक बार जब आप पढ़ लोगे अच्छे से एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने वीडियो को अच्छे से आप देख ले, उसके बाद आपके ब्लॉग में यूट्यूब ब्लॉग में ओपन करके प्लस आइकन जो होता है वहां पे क्लिक करके आपको अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अपलोड करने से पहले आपको टाइटल जो होता है ना बहुत सोच समझ के अच्छी तरह से लिखना चाहिए ताकि लोगों को सर्च करने के बाद भी यूट्यूब पे आपको दिखाई दे। जैसे कि आप चाहते हैं कि वीडियो को टाइटल या फर्स्ट ब्लॉग जो होता है आपको हाउ टू मेक ब्लॉग हिंदी कुछ इस प्रकार से जो होता है ना टाइटल सर्च में आए, क्योंकि आप कई सालों से यूट्यूब पे वीडियो में बना रहा हूँ ठीक है। ब्लॉगिंग करने के लिए न्यू एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वीडियो बनाने से क्या है कि ब्लॉगिंग करने से आपको कुछ डिफरेंट होता है, आप लगातार उसको शूटिंग करना है आपको करना है तो लगातार, और आपको दिन भर प्लानिंग जो भी माइंड में जो भी चीजें आती इन सभी चीज को आपको शूट करना होता है दोस्तों। अब नॉर्मल यूट्यूबर से पहले से ही आपको इसकी पता होता है, आपको वीडियो को बोलना होता है। अब ब्लॉगिंग मैंने आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास, अब नॉर्मल वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा व्यूज करा है, इस हर बार कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है दोस्तों, नई नई चीजों को दिखाना उसके बारे में बताना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था और भविष्य में बता रहा हूँ व्लॉग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ और बताना चाहता हूँ आपको चलते चलते लास्ट में आखिर में मैंने आपको यही कहना चाहूंगा एक बार ब्लॉगिंग करके आप लोग जरूर शूट करना चाहिए दोस्तों ठीक है। व्लॉगिंग एक बनाने से क्या है कि आपको बहुत सारी आसानी, आपको थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन प्रयास करें। आप ऑफिस कार जिस तरह से जाते हैं समय जाते रोज नियम से आप जाते हैं उस तरह ब्लॉग पे भी आप लोग पर डे आप अपलोड करें, एक चैनल को ग्रो करेगा, सब्सक्राइबर भी आपका व्यूज आपका बढ़ने लगेगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको सब सभी लोग को ये मेरा ब्लॉग है मोहतरम सिंह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा दोस्तों और सभी वीडियोस को आप देख रहे होंगे और उसी भी उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ। आप इस व्लॉग को पोस्ट को मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे सोच रहे होंगे तो अगर आपको कोई आसान काम नहीं है प्रतिदिन आपको वीडियो एक डालते रहना आपको तभी आपको यूट्यूब आपका व्यू बढ़ेगा आपकी कमाई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।